Hello everyone, welcome back to my channel and welcome to preview and prediction of episode number 7th of The Perfect Marriage Revenge. So guys, बड़ा ही interesting और बड़ा ही engaging था episode number 6. No doubt हमने जो मांगा नहीं था हमें वो तक मिल गया episode number 6 में. मतलब इतने सारे romantic scenes और इतनी strong chemistry. दो इस के ड्रामे में उलोने यीजू और सुदोक की केमिस्ट्री को डेवलप करने में इतना एफर्ट्स नहीं डाले बिकॉज सुदोक के साइड से हमेशा से इंटरेस्ट दिख के आ रहा है बट यीजू के साइड से कोई इंटरेस्ट दिखते हुए नहीं आ रहा है. बट आई बिलीव कि अपकमिंग एपिसोड में ये चीज़ चेंज होगी एंड यीजू विल ऑल्सो फॉल इन लव विद सुदोक बिकॉज इतने हैंडसम और जेंटलमैन पर्सनैलिटी जैसे सुदोक के अंदर है उसको कौन अवॉइड कर सकता है ज़्यादा टाइम के लिए. तो एपिसोड नंबर 6 तो अश्योर करता है कि सुदोक और यीजू विल डेफिनेटली फॉल इन लव विद ईच अदर मैडली. बट इससे पहले हम फुल हार्टेडली कोई सीन को या फिर कोई मोमेंट को एंजॉय करते हैं. इसके ड्रामा में एक और फैक्टर रिलीज हुआ है, रिवील हुआ है, जो शायद हमें अंदाजा था और वो चीज रिवील हो गई. यस गाइस, सुदोक की भी ये सेकंड लाइफ ही है. इससे ये बात कंफर्म होती है कि हो सकता है यीजू के साथ, मैंने थियरी वीडियो बनाया था, आप लोग ने अगर नहीं देखा है तो ऊपर क्लिक करके देख लो. तो मेरे थियरी में बोला था कि यीजू के साथ सुदोक का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन और दोनों की डेथ एक दिन हुई है, सेम डे हुई है और दोनों को सेकंड लाइफ मिली है ताकि लोग अपने लाइफ में रिवेंज ले पाए. तो गुड चांसेस है सुदोक को अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है कि उसकी सेकंड लाइफ है. बट सून मे बी अपकमिंग 4 एपिसोड्स में, अब बचे ही 6 एपिसोड्स है, तो जल्दी ही सुदोक को रियलाइज हो जाएगा कि ये उसकी सेकंड लाइफ है और फिर उसके आगे जो भी होगा वो देखने वाली चीज होगी. सो गाइज, इनफ विद प्रीवियस एपिसोड की बातें और थोड़ी बहुत प्रेडिक्शन. मैं इससे पहले अपना प्रीव्यू एंड प्रेडिक्शन फॉर एपिसोड नंबर 7 स्टार्ट करूं. लेट्स डिस्कस कि एपिसोड नंबर 7 और 8 कब रिलीज होगा. तो एपिसोड 7 रिलीज होगा 18th ऑफ नवंबर को और एपिसोड 8 रिलीज होगा 19th ऑफ नवंबर को. So make sure to remember the dates. Now let's begin with our preview and prediction of episode number 7. Let's discuss ke kya hone wala hai. So guys, episode number 6 ek bomb ke sath end hua tha jab Yura aur Sudoguk ka bada brother aate hain aur wo log announce karte hain ki they are dating और मे बी वो लोग शादी करेंगे, वैसे वाले इंटेंशन के साथ वो लोग डेट कर रहे हैं. तो ऑफकोर्स ही बात है ये सुदोक और यीजू को काफी शॉक की तरह मिलने वाली है ये न्यूज और इसका आफ्टरमैथ ऑफकोर्स ही बात है अच्छा नहीं होगा. यूरा और यीजू एक दूसरे के साथ काफी आर्ग्यूमेंट करेंगे जिसमें यूरा यीजू के ऊपर इल्जाम लगाएगी कि उसकी जो मैरिज है विद सुदोक वो फेक है. बट यीजू के पास रिप्लाई है बिकॉज उसकी मैरिज फेक नहीं है, दे आर फॉलोइंग फॉर ईच अदर, दे आर इन गुड रिलेशनशिप. तो यीजू अच्छे से बता देगी उसको कि हमारी कोई फेक मैरिज नहीं है बिकॉज इसका प्रूफ हमें नेक्स्ट एपिसोड में मिलने वाला है. वी विल गेट टू सी अ लॉट ऑफ सुदोक एंड यीजू सीन अपकमिंग एपिसोड में एज अ हैप्पी मैरिड कपल और हमें अपकमिंग एपिसोड में यीजू काफी खुश दिखेगी ऑफकोर्स से बात है क्योंकि उसका हस्बैंड जो है उसका हर चीज में साथ देने के लिए और हर चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी है. नेक्स्ट एपिसोड में सुदोक उसे प्रॉमिस करेगा कि उसे हर चीज से प्रोटेक्ट करेगा बट यहाँ पर उन लोग के अच्छे मोमेंट्स को इंटरप्ट करेगा सेयोग जो ऑलरेडी यीजू की लाइफ से पूरी तरह से मिट चुका है और अनऑफिशियली वो यूरा को भी डेट कर रहा है. तो मुझे ऐसा लगता है वो यूरा की आंखों में और अच्छा बनने के लिए ऐसे कदम उठाएगा जो हमारे को काफी इरिटेटिंग दिख के आने वाले हैं अपकमिंग एपिसोड में. यस गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपकमिंग एपिसोड में सुदोक का जो सेक्रेटरी है वो और सेयोग किसी काम से सुदोक के घर पे जाएंगे. तो जैसे ही सेक्रेटरी किसी काम से बिजी होगा वो टाइम पे सेयोग सुदोक और यीजू के घर में घुसेगा और स्पेशली यीजू के रूम में स्नीक इन होके वो ड्रॉअर में कुछ तो ढूंढने का ट्राई करेगा तो उसको यीजू और सुदोक के मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जो है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा और उसको जो वो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा ऑब्वियसली बात एक शॉकिंग सी चीज है तो वो उसको रख लेगा ताकि वो ये चीज यूरा को पास ऑन कर पाए ताकि यूरा खुश हो या फिर यूरा को किसी तरीके से हेल्प हो जाए और यूरा ये कॉन्ट्रैक्ट देख के अपनी मदर को दे देगी और उसकी जो मदर है वो सुदोक की मदर को दे देगी. तो ऑफकोर्स ये बात है सुदोक की मदर जो इतनी ऑनेस्ट है उसे तो काफी शॉक लगेगा कि उसके पीछे उसकी डॉटर इन लॉ और उसका बेटा कुछ ऐसी गड़बड़ी कर रहे हैं बिकॉज उसको तो लग रहा है कि ऑनेस्टली यीजू और सुदोक आर इन लव विद ईच अदर इसलिए उन्होंने शादी किया है बट उन लोग के मैरिज के पीछे कॉन्ट्रैक्ट है. इस चीज का शौक सुदोक की मदर को काफी लगेगा बट इन रियलिटी हमें पता है सुदोक और यीजू का रिलेशन इवॉल्व हो रहा है, अब कॉन्ट्रैक्ट जैसी चीज रह नहीं गई है. बट क्योंकि सुदोक की मदर काफी बिट्रेट फील करेगी वो सुदोक और यीजू से सामने उन्हें पूछेगी कि ये सब क्या है और अगर सच में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो लोग एक दूसरे को सिंपली डिवोर्स दे दे वरना रिजल्ट अच्छा नहीं होगा इस चीज का. तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज रिवील होना है सुदोक की मदर के सामने वो एपिसोड नंबर 6 के एंड में होगा. बट एपिसोड नंबर 6 के स्टार्टिंग टू मिड काफी चीजें होने वाली है जैसे नेक्स्ट एपिसोड में यीजू उसके हेयर सैंपल उसके फादर का हेयर सैंपल निकाल के डीएनए टेस्ट कराएगी टू सी के वेदर डीएनए मैच हो रहा है कि नहीं, वेदर वो बायोलॉजिकल डॉटर है कि नहीं. और जब एक बार कंफर्म हो जाएगा तो यीजू अपना मेन गेम जो मेन रिवेंज गेम है वो स्टार्ट करेगी
बाय डिस्ट्रॉइंग हर अडॉप्टिव मदर। वो पहली चीज अपने अडॉप्टिव मदर को बता देगी कि इंडीड वो उसके फादर की बायोलॉजिकल डॉटर है, और ये बात अब उसको पता चल गई है। और तो और नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि ईजू पूरी तरीके से उसके जो आर्ट गैलरी है जिसके पीछे उसकी मदर और यूरा पड़ी रहती है, वो पूरा ट्राई करेगी कि इन कंट्रोल ले ले उसको। सो यस, मेरे हिसाब से अपकमिंग एपिसोड एपिसोड नंबर 7 और 8 काफी इंटरेस्टिंग और काफी रोमांटिक रहने वाला है, बिकॉज ईजू और सुदुगु एक दूसरे साथ काफी कंफर्टेबल दिखेंगे हमें, तो वो देख के ऑफकोर्स बातें हमें काफी अच्छा लगने वाला है। बट ये मोमेंट बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया है, सेओ के वजह से, जब उसके मदर इन लॉ को पता चल जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। सो लेट्स जस्ट होप कि सुदुगु और ईजू इस मैटर को अच्छे से हैंडल कर दे और अपनी मदर इन लॉ को ईजू समझा पाए कि भले ही पहले कॉन्ट्रैक्ट था बट अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दे लिटरली लव इच अदर, ऐसा बोल के वो लोग ठंडा करके माहौल को ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज काफी ट्रबल फेस करने वाले हैं सुदुगु और ईजू अपकमिंग एपिसोड में। सो गाइस, प्रीव्यू एंड प्रेडिक्शन में इतना ही। एक चीज मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है, वो है सुदुगु के रिस्क पे जो डेथ ऑफ डेट लिखी हुई है। तो इससे ये बात तो कंफर्म हो गई कि ईजू की तरह सुदुगु की भी ये सेकेंड लाइफ है। बट अब सोचने वाली बात ये है कि एक साल जब कंप्लीट हो जाएगा तो सुदुगु और ईजू के साथ होगा क्या? विल दे मीट विद द सेम फेट? क्या वापस से किसी क्रैश में ईजू और सुदुगु की डेथ हो जाएगी, या फिर वो लोग अपना पास्ट चेंज करने की वजह से उनका जो फ्यूचर है, उनका जो डेट ऑफ डेथ है, उस चीज को चेंज कर पाएंगे? बिकॉज काफी चीजें चेंज हुई है सुदुगु और ईजू, दे आर मैरिड नाउ। मतलब क्या ये सब चीजों के वजह से उनका प्रेजेंट, क्या उनका डेस्टिनी चेंज हो सकती है क्या? तो ये चीज देखने वाली होगी। तो अभी तो मैं कुछ ज्यादा इस पे प्रेडिक्ट कर नहीं सकती। अगर आपके पास कोई रिलेटेड थियरीज है तो मुझे कमेंट करके बताना। एंड गाइज, बिफोर लीविंग मेक श्योर टू चेक आउट माई थियरी वीडियो। इसके अंदर मैंने जो भी थियरी बोली थी वो सारी की सारी सच हुई है। तो मेक श्योर टू वॉच इट बिफोर लीविंग। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। अंटिल दैट टाइम, अन्योंग।